हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड। तो आईसीएमआर ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है आज, और उसमें उसने बताया है कि जो आईसीएमआर जेआरएफ का जो एग्जाम है उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, तो आईसीएमआर का जो नोटिफिकेशन है वो हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करिए आईसीएमआर जेआरएफ। जैसे आप आईसीएमआर जेआरएफ टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। तो इस विंडो में आप देख सकते हैं कि जो आईसीएमआर जेआरएफ का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये है main.icmr.nic.in। तो आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आईसीएमआर का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आईसीएमआर का। तो ओपन हो रहा है, थोड़ा मे बी इंटरनेट स्लो है। तो देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये main.icmr.nic.in में है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, देखिए आईसीएमआर का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल में दिखेगा रीशेड्यूलिंग ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एग्जामिनेशन ऑन दिसंबर 4 2020। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे जो आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम है उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है, और जो ये एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर 4 2020 में। ठीक है, चलिए हम इसका जो है नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ पे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि देखिए पीडीएफ यहाँ डाउनलोड हो गया। तो आपको जो है ये आईसीएमआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 7 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया है, जिसका जो टाइटल है वो है रीशेड्यूलिंग ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एग्जामिनेशन ऑन 4 दिसंबर 2020। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जितने भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है उसमें जो इंटेंस एग्जामिनेशन जो कि पहले 12 जुलाई 2020 को होने वाला था, अब रीशेड्यूल कर दिया गया है 4 दिसंबर 2020 फ्राइडे को। और जो टाइमिंग रहेगी एग्जाम की वो रहेगी 2 PM to 4 PM, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 2 आवर का रहेगा एट वेरियस सिटीज एंड सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जाम जो 12 जुलाई को होने वाला था वो जो पोस्टपोन या रीशेड्यूल कर दिया गया है 4 दिसंबर 2020, और जो टाइमिंग भी आपने मेंशन कर रखी 2 PM to 4 PM। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए लिखा है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट टू इंक्रीज और चेंज एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर फॉर आईसीएमआर जेआरएफ 2020 एग्जामिनेशन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन हैज बीन इंक्रीज। तो देखिए इन्होंने एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर्स को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि डीबीटी के एग्जाम में भी किया गया था। अब जो एग्जामिनेशन होगा वो 30 सिटीज में होगा अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 सिटीज में होगा। तो देखिए नंबर ऑफ सिटीज को इंक्रीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई भी अपना सेंट्रल प्रेफरेंस या चॉइस जो है अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट icmr.nic.in या pgimer.edu.in पे जाके आप जो है अपना जो सेंट्रल प्रेफरेंस या चॉइस है उसे चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज जो वैलिड रहेगा वो 8 अक्टूबर 2020 टू 14 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो 8 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच जो है आप जो है अपना जो एग्जामिनेशन सिटी या सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपने आप जो है अपने अपलोड सर्टिफिकेट या फोटो या थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जो भी आपको अगर डाउट है कि सही नहीं अपलोड हुआ है तो उसे भी जो है आप 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आईसीएमआर ने बोला है कि एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अपडेट या चेंज देयर सेंटर चॉइस वेरी केयरफुली सो नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट आफ्टर 14 अक्टूबर। तो आप बहुत सोच समझ के अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर या सिटी है वो चेंज करिए, क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद आप जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर या डेट एग्जामिनेशन सेंटर या जो सिटी है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो फर्दर इंस्ट्रक्शन होंगे रिलेटेड टू एग्जाम वो अपलोड किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपनी जो जो आईसीएमआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है icmr.nic.in या pgimer.edu.in को रेगुलरली विजिट करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा नोटिफिकेशन था जिसमें मैं वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि आईसीएमआर ने जो है अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उसने अपना जो एग्जाम डेट है उसे रीशेड्यूल कर दिया है 4 दिसंबर 2020 को between 2 PM to 4 PM। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।